डीएनए में आज सबसे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रोश का विश्लेषण करेंगे। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 88 मिनट तक भाषण दिया और कहा जा रहा है कि ये संसद में दिए गए सबसे लंबे भाषणों में से एक था। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के अंदर ही कोई चुनावी रैली कर दी हो। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे, लेकिन उनके भाषण में धन्यवाद की मात्रा कम थी और आक्रोश ज्यादा था। उन्होंने अपने सारे विरोधियों और विपक्षी दलों को आज करारा जवाब दिया। कुछ महीने पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि अगर वो संसद में बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी ने बयान भी दिया, लेकिन उस बयान से देश की सियासत में कोई भूकंप नहीं आया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से राजनीति की दुनिया में झटके जरूर महसूस किए गए। आज प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक्स, काले धन, नोटबंदी, परिवारवाद और बजट जैसे मुद्दों पर विपक्ष को आईना दिखाया और साथ ही अपनी सरकार के काम भी गिनाए। हालांकि विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और विपक्ष ने उन पर गरिमा के अनुसार न बोलने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस भाषा, जिस बॉडी लैंग्वेज और जिस आक्रोश का प्रदर्शन किया, उससे ये लग रहा था जैसे वो संसद में नहीं बल्कि किसी चुनावी रैली में बोल रहे हो। क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे थे और विपक्ष ने पिछले कुछ समय में जो भी बाउंसर्स उनकी तरफ फेंके थे उन पर वो जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। चुनाव के मौसम में प्रधानमंत्री मोदी की ये सियासी बैटिंग आज आपको भी देखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के आक्रोश का डीएनए टेस्ट, आप इससे बच नहीं सकते। आप किसी का नाम देकर के बच नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। संसद की पिच पर प्रधानमंत्री की फ्रंट फुट पर बैटिंग। जब भी हम कुछ बोलते हैं यहाँ से, ये तो हमारे समय था, तो आज मुझे लग रहा है मैं ही उसी पर खेलूं थोड़ा। आपके मैदान में खेलने के लिए आना पसंद करूंगा आज मैं। नरेंद्र मोदी के बयान से आए सियासी भूकंप का विश्लेषण। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। तो ये उम्मीद देश को नहीं थी, देश के गरीबों को। इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का, जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना था। और करीब 88 मिनट के लंबे अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने आज खूब फ्रंट फुट पर बैटिंग की। आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है, समस्या की जड़ वहां है। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री आज सारे विरोधियों को करारा जवाब देने आए थे। कैबिनेट में एसआईटी सबसे पहले प्रधानमंत्री के सियासी रडार पर राहुल गांधी का ये बयान आया। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है, पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या, मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूँ, एक महीने से तैयार हूँ। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट यू विल सी व्हाट एन अर्थक्वेक इज गोइंग टू कम। क्या वजह है, क्यों नहीं बोलने दे? लेकिन आखिर भूकंप आ ही गया। मैं सोच रहा था कि ये भूकंप आया कैसे, क्योंकि धमकी तो बहुत पहले सुनी थी। कोई तो कारण होगा कि धरती माँ इतनी रूठ गई होगी। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के एक चुनावी रैली में विपक्षी पार्टियों और नेताओं को स्कैम का नाम दिया था, जिसका विश्लेषण राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से किया था। सर्विस गरीब लोगों के लिए, सी का मतलब करेज, बहादुरी, सच्चाई बोलने की, ए का मतलब एबिलिटी, वायदे पूरे करने की क्षमता, और एम का मतलब मॉडेस्टी, इस बात को मानना
कि सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राहुल गांधी के इस बयान पर भी निशाना साधा। जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ माँ नहीं, धरती माँ भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता है। भूकंप जो कल पित्तौड़गढ़ में आया और उससे पहले पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से जान माल की हानि हुई, मोदी जी ने आज पूरे उत्तराखंड का नुकसान आज मजाक उड़ाया है, उपहास उड़ाया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग कभी मोदी जी की इस बात को माफ नहीं करेंगे। असली भूकंप आने वाला है 11 मार्च को, इसके लिए प्रधानमंत्री भी तैयार रहे और भाजपा भी तैयार रहे। लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के परिवारवाद को भी आड़े हाथों लिया। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया, बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया, कितने महान लोग हैं। लेकिन अध्यक्षा जी, उस पार्टी के लोकतंत्र को देश भली भांति जानता है, पूरा लोकतंत्र एक परिवार को आहूत कर दिया गया है। लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के लिए बलिदान देने के सवाल पर बीजेपी पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे की इस बात का भी जवाब दिया। हर युग में इतिहास को जानने का, इतिहास को जीने का प्रयास आवश्यक होता है। उस समय हम थे या नहीं थे, हमारे कुत्ते भी थे या नहीं थे, औरों के कुत्ते हो सकते हैं, हम कुत्तों वाली परंपरा से पले बड़े नहीं हैं। लेकिन देश के कोटि कोटि लोग थे जब कांग्रेस पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। इनके मुंह से सुनने को नहीं मिला है, कभी सावरकर जी भी थे जो काला पानी की सजा भुगत रहे थे तब देश आजाद हुआ है, उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिल रहा है। कोई भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद भी थे कि जिन्होंने देश के लिए बलि चढ़ाया था, उनको तो लगता है कि आजादी सिर्फ एक परिवार ने दिलवाई है, समस्या की जड़ वहां है। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो काफी आक्रोश में थे। नोटबंदी जैसी आर्थिक क्रांति पर विपक्ष ने जिस तरह से संसद नहीं चलने दी थी, उसका गुस्सा भी पीएम के भाषण में आज दिख रहा था। चर्चा के बजाय आपको टीवी बाइट देने में ही इंटरेस्ट था, इसलिए चर्चा नहीं हुई। वहां से आवाज उठती थी कि कोयले में कितना खाया, 2G में कितना गया, जल करप्शन में कितना गया, वायु करप्शन में कितना गया, आसमान के करप्शन में कितना गया, कितने लाख गए, कितने लाग, यही वहां से आवाज आती थी। कि मेरे लिए कितनी खुशी की खबर है कि जब वहां से आवाज आती थी, मोदी जी कितना लाए, कितना लाए, कितना लाए, तब आवाज उठती थी कितना गया, अब आवाज उठ रही कितना लाए, इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है। इससे बड़ा जीवन का यही तो सही कदम है। बेनामी संपत्ति के सवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की पुरानी सरकारों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारे खड़गे जी ने कहा कि काला धन हीरे जवाहरात में है, सोने में है, चांदी में है, प्रॉपर्टी में है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये सदन जानना चाहता है, ये ज्ञान आपको कब हुआ?
भ्रष्टाचार का प्रारंभ नगद से होता है। जरा आप लोग बताइए, 1988 में जब सम्मान राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, पंडित नेहरू से भी ज्यादा बहुमत इस सदन में आपके पास था, दोनों सदन में आपके पास था, पंचायत से पार्लियामेंट तक सब कुछ आपके कब्जे में था, आप ही आप थे, कोई नहीं था। 1988 में आपने बेनामी संपत्ति का कानून बनाया। आपको जो ज्ञान आज हुआ है, क्या कारण था कि 26 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया गया? क्या कारण था उसको दबोच कर? प्रधानमंत्री मोदी ने आज सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले नेताओं को भी निशाने पर लिया। कहा, ऐसा लग रहा था जैसे सर्जिकल स्ट्राइक से हमारे नेता परेशान हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के संबंध में कोई नहीं पूछ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश की सेना उसके जितने गुणगान करे, हमारी देश की सेना का जितना गुणगान करे उतना कम है। और इतने बड़े फलक में इतनी सफल सर्जिकल स्ट्राइक की है। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है, मैं जानता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक आपको परेशान कर रही है। विरोधियों पर निशाना साधने के लिए प्रधानमंत्री ने कभी कविता का सहारा लिया तो कभी शास्त्रों का। इसी तरह एक श्लोक का भावार्थ समझाने में आज आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का भी जिक्र आ गया। जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार दे ले, घी कहा भाई, भगवत मान नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने वहां संस्कार थे, उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो गुरहत पीने की चर्चा करनी पड़ती। उनका डर सता रहा था कि पंजाब में हम गए, इसलिए भाषण देते देते वो ये भी भूल गए कि जनसभा है यूपी की या लोकसभा है। भाषण देते देते कह रहे हैं, बहनों और भाइयों, प्रोटोकॉल के मुताबिक माननीय सांसद बोलना होता है, ऑनरेबल मेंबर्स बोलना होता है। काका हाथ रस्सी ने किया था, काका हाथ रस्सी ने कहा था, अंतर पट में खोजिए छिपा हुआ है खोट, अंतर पट में खोजिए छिपा हुआ है खोट। और काका हाथरसी ने आगे कहा है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। जाहिर सी बात है कि विपक्ष को प्रधानमंत्री का यह भाषण पसंद नहीं आया। विपक्ष प्रधानमंत्री पर गरिमा के अनुरूप भाषण नहीं देने का आरोप लगा रहा है। नो, वेरी रिवेंजफुल रिप्लाई, एक्चुअली क्वाइट एरोगेंट रिप्लाई। I think this was the last opportunity for him because the next elections, other elections, you know, budget and the president address will be only before the Lok Sabha election. हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी प्रधानमंत्री के इस भाषण से खुश हैं। दीप, और मैं समझता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो दर्द उनका दिखता है और व्यवस्था गरीब के लिए बने, यही उनकी प्राथमिकता है। कुल मिलाकर पीएम नरेंद्र मोदी का आज का ये भाषण आक्रोश से भरा हुआ था। कई बार तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री संसद में ही कोई रैली कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री का आज का यह भाषण अपने आप में संपूर्ण था और अब इस भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई और चुनावी रैली करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी को उनकी हर रैली में यही भाषण प्ले कर देना चाहिए।